के आह्वान पर 10 सितंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान करा है। पेट्रोल डीजल और गैस में जिस तरह से पहली बार मार्केट में भाव बढ़े उससे आम आदमी की कमर कटी है। महंगाई इस तरह बढ़ी है कि आम आदमी पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने से बहुत परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया है। उसी आह्वान की कड़ी में जयपुर बंद 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक जयपुर बंद रहेगा। जयपुर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हम सब व्यापारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में बंद रखे, जिससे केंद्र सरकार जो जुल्म कर रही है, तानाशाही कर रही है पेट्रोल डीजल और गैस को लेकर वो रुक सके, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम हो सके। कांग्रेस पार्टी जबरन किसी से बंद नहीं करा रही। हम हाथ जोड़कर जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्यापारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जयपुर की सभा में कही थी। आज यदि पेट्रोल डीजल को GST में ले आएंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव 35 से 40 रुपए हो जाएंगे। 35 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, 40 रुपए डीजल, 40 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, 35 रुपए डीजल हो जाएगा, इतना सस्ता हो जाएगा। इस वक्त पूरे देश की जनता की आवाज को हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है, उनके समर्थन की हमें जरूरत है, क्योंकि पूरा देश पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब क्रूड ऑयल ज्यादा महंगा था, आज क्रूड ऑयल सस्ता है। इसके बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 85% टैक्स लगाकर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के ज्यादा पैसे वसूल कर रही है। इससे देश की जनता के हित में उनकी पेट्रोल डीजल और गैस को खरीदने में हो रही परेशानी को देखते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आप अपना पूरी तरह से व्यापार बंद रखें, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बने और ये भारत बंद जनता ने सफल कर दिया और ये जनता के सहयोग से ही सफल होगा तो केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करने पड़ेंगे। आज जरूरत है कि भारत के हित में सब लोग भारत बंद में शामिल हो 10 सितंबर को 10 से 3 बजे तक। और ये अकेले कांग्रेस की आवाज नहीं है, ये पूरे देश की माँ बहन बेटी जवान और हर नागरिक की आवाज है कि पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम होने चाहिए।